सो हे गाइस व्हाट्स अप सो हाँ भाई लोगो फाइनली आई एम बैक और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि आज पबजी वापस नहीं आने वाला, तो इससे ज्यादा अच्छा वक्त नहीं होगा किसी दूसरे मल्टीप्लेयर गेम पे शिफ्ट होने का। सॉरी मेरा मतलब ऑफलाइन गेम्स पे शिफ्ट होने का। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ज़्यादा ऑफलाइन गेम्स जिसको आप बिना इंटरनेट के खेल सकते हैं और ये प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है। तो हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी लिस्ट में ईगल की प्रथा को एक साल बाद। हाँ पता है मैं लेसी हूँ और मेरी बात छोड़िए और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों नंबर 10 पे आता है प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्लासिक गेम है। अगर आपको नहीं पता यानी कि अगर आप एक एलियन है तो मैं आपको बता दूं कि गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, प्लांट्स से ज़ॉम्बीज को लड़वाना होता है। जितना ज़्यादा ये सिंपल सुनने में लग रहा है इतना ये मज़ा देता है आपको। क्या बोला तूने? इसे बहुत ज़्यादा तरह के ही प्लांट्स मिलते हैं आपको जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एक मैं एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों हमारे नंबर 9 का गेम है सबवे सर्फर्स। ये क्या है? अगर आपको ये गेम अभी पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आप उल्लू के पट्टे नहीं है, बस आपकी एज बढ़ चुकी है। क्योंकि ये गेम अभी भी मजा देता है और इसमें टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं। इस गेम को खेलने के लिए ऑनलाइन रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये गेम अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बस किलो को इसकी क्वालिटी बजाय रखने के लिए इसकी कोई सीक्वल्स निकालनी चाहिए, ना कि जस्ट इस गेम को अपडेट करते रहना चाहिए। पर ये कंपनी का पर्सनल मैटर है और मैं इसे बात करने भी नहीं वाला। अगर आपको ये गेम पसंद आता है तो इसे एक बार ट्राई जरूर करना। तो चलते हमने अगले गेम की तरफ जो कि मिनियन रश। अगर आपने इससे पहले मिनियन रश नहीं खेली तो मैं आपको बता दूं ये दूसरे रनिंग गेम्स की तरह है। ये उससे बहुत ही ज़्यादा औसम है क्योंकि इसमें बहुत सारे पावर देखने को मिलते हैं। तो क्या करूं ना हाँ। और ये बेस्ड है हम सभी की फेवरेट मूवी सीरीज डिस्पिकेबल मी पर। ये गेम अभी भी बहुत ज़्यादा अपडेट में रहता है और इसमें ऑफलाइन मोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। आपको ये गेम एक ना एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों हमारा अगला गेम निकल करके आता है जो कि है सिक्स गर्ल्स का। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो गेम ड्रॉफ का ये ट्राई था आरडीआर को टक्कर देने का, पर ये गेम आरडीआर के मतलब करीब भी नहीं आ पाया। पर अगर हम बात करें मोबाइल में वाइल्ड वेस्ट शूटर्स की तो ये उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट है और इससे ज़्यादा बेस्ट कोई गेम नहीं है। हालांकि ये गेम आपको 60 FPS प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें 60 FPS का ऑप्शन नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। ये 30 FPS में आपको एक डिसेंट गेम देगा और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा अगर आपने आरडीआर ट्राई करके रखा है या फिर आरडीआर खेलना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले गेम जो कि है एंग्री बर्ड्स 2। तो इस गेम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे सभी का फेवरेट 2009 के एंग्री बर्ड्स का सीक्वल है। इसमें आपको सेम टू सेम शॉट से पिक्स को शूट करना होता है और ये गेम अगर आपको मतलब आर्केड गेम बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये गेम आपको बहुत ही ज़्यादा मजा देने वाला है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ जो निकल करके आता है हंगरी शार्क। सबसे सक्सेसफुल सीरीज जो मोबाइल पर है वो हंगरी शार्क की है और अभी हंगरी शार्क के बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स निकल रहे हैं और रीबूट सीरीज का ये सेकंड गेम और लेटेस्ट गेम है। इस गेम में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं और ये गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है। गेम में अभी 10 से भी ज़्यादा शार्क जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं और वर्ल्ड भी बहुत ही ज़्यादा है और इसके साथ टाइम टू टाइम अपडेट में नए शार्क नए अपडेट और नए वर्ल्ड आते रहते हैं। इसके साथ आप बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ जो कि है स्की सफारी 2। अगर आपने स्की सफारी 2 नहीं खेला तो आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हैं क्योंकि स्की सफारी 2 एक क्लासिक है वीडियो गेम जॉनर में और जब ये लॉन्च हुआ था तो लोग इसे बहुत ही ज़्यादा खेला करते दिन रात। और अभी ये पॉपुलरिटी खो चुका है पर फिर भी अभी भी इस पर अपडेट्स आते रहते साल में एक दो बार। क्या बोला तूने? और ये ऑफलाइन मोड में बहुत ही ज़्यादा ऑसम गेम है जो अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और इसी के साथ हमारा अगला गेम निकल कर के आता है जो कि एसवर्ल्ड 8। और अभी इसका 8 मतलब इस गेम को लॉन्च हुए 8 साल हो चुके हैं और ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गेम लॉन्च अभी भी इसके अपडेट्स देते रहता है, इसमें नए इवेंट्स नए कार्ड्स और नए ट्रैक्स आते रहते हैं। ये गेम बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और अगर आपके पास मतलब 2-3 GB का डिवाइस है तो एसवर्ल्ड 9 के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात कि एसवर्ल्ड 9 की तरह आपको धोखा नहीं देता कि कैरियर मोड भी आपको ऑनलाइन खेलना पड़े क्योंकि आप कैरियर मोड को पूरी तरह से ऑफलाइन खेल सकते हैं, बस आपको कार्ड को अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन होना ज़रूरी है। तो बताया अपने गेम की तरफ जो कि है क्रॉस फायर और ये जनरल गेम्स की तरफ से आता है जो विवा गेम्स बन चुके हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम गेम है शूटिंग जोनर में। इसके अंदर ज़ॉम्बी मोड, नॉर्मल मोड, कैंपेन मोड, बहुत ज़्यादा मोड है। ये गेम बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। अगर आपको ये गेम पसंद आए तो इसे एक बार ट्राई जरूर करना। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले गेम जो निकल करके आता है गैंगस्टर विकास। ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम गेम है। अगर आप एक क्रिमिनल हो चले तू मतलब अगर आप जीटी के बहुत बड़े फैन हो तो आपको गैंगस्टर की सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज का फोर्थ गेम है और बेस्ट गेम है अब तक, क्योंकि न्यूयॉर्क अभी तक लॉन्च नहीं हुई। अगर बात करें ग्राफिक्स की तो अभी भी ये गेम एक 2018 के गेम की तरफ ग्राफिक्स देता है। इस गेम का मैं भले ही छोटे हो पर ये लास्ट फिगर शहर को परफेक्टली दिखाता है। अगर आपको गेम पसंद आ रहा है तो इसे जरूर एक बार ट्राई करना, पूरी तरह से ऑफलाइन है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करीना गो गो करीना करीना गो। ओ गॉड, आई एम टायर्ड ऑफ दिस शिट। करीना गो करीना करीना गो करीना करीना गो करीना करीना।